नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरे सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के अनौनी से आया है और हमें ऐसे सूचना मिली है कि घर के अंदर कोई बहुत बड़ा सांप देखा गया है। यहाँ पर जिनके घर पे हम लोग रेस्क्यू के लिए आए हैं, इनका सिर्फ 2 कमरा है, उसी में पूरा परिवार का गुजर बसर होता है। ऐसे में घर के अंदर सांप निकल गया, जिससे घर में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर घर में सांप है तो या तो सांप को खतरा रहेगा या फिर सांप की वजह से इंसानों को खतरा रहेगा। ऐसे में सांप को सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकाल करके उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करने का प्रयास किया जाएगा। चिड़िया सब इसी के लिए। और बड़ा तेज जीव निकाल देना फन्नो, कितना शांत से बैठा लो यहाँ वहाँ पूरा पौ ले लो, फिर दोबारा फिर बैठ गया। देखिए रूम भगवान जाते, देखी पहले देखी कोने ऊपर आप देखी बैठा ला इतने बाप से एकदम बस वहीं पे पंखा पे देखिए ना, लड़ बैठा के सीढ़ी लगाइए ना, तो बंद कर दीजिए, पैर बंद कर लड़ जाएगा तो हाँ बंद कर दीजिए, हाँ गिरेगा नहीं, तुम भी पकड़ने वाले नीचे से गिरेंगे। सीढ़ी पकड़ो बाबू अंदर से, हम बस और बिल्कुल मत करिएगा, डरना नहीं बिल्कुल भी। ओफो बहुत खतरनाक हमला किया, लगा नहीं ना एकदम सटीक हाथ पे हमला किया था, नहीं घबराना नहीं, कोई घबराई नहीं, सोन नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं ना, बस शांति बना रखी, उन लोगों को बोल दीजिए बाहर शांत रहे। सीढ़ी बस आप संभालिए, कोई दिक्कत नहीं, मुन्नी बाहर निकल दिया गया, नहीं कोई नहीं आ जाएगा, शोरगुल बिल्कुल नहीं, आराम से रिलैक्स, सीढ़ी पकड़े रही दबा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिंदास रहिए, हाँ सीढ़ी पकड़े रहिए, आप कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं, आराम से बस आगे नीचे, अब आप सीढ़ी छोड़ के हट जाइए भाई, हट जाइए, अब हट जाइए, आप हट जाइए,
बड़ी स्टिक चाहिए बताइए मांग लीजिए। बड़ी स्टिक, बड़ी स्टिक दीजिए भैया, बड़ी स्टिक दीजिए, बड़ा काला था स्कूल लेके, बड़ा स्टिक दीजिए भैया। फंसा ले रहा है, कोई नहीं, धक्का देते जा रहे हो। खुरिया से पहचान गई ना भैया, अच्छा भी बोल जला और यहाँ पर इस शाम का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग पहचानते होंगे, यह एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा को हिंदी में भारतीय नाग कहा जाता है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स वेनम पाया जाता है, जो अगर किसी भी इंसान या फिर जीव को बाइट कर ले और इलाज ना करवाया तो उसकी मौत भी हो सकती है। अतः आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जब भी किसी को स्नैक बाइट यानी कि सर्पदंश हो तो बिना वक्त गवाए सबसे नज़दीकी सर्पदंश के अस्पताल में जाएं और उचित ट्रीटमेंट लें, क्योंकि सर्पदंश के बाद आपकी या फिर आपके किसी परिजन की जान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और एंटी वेनम ही बचा पाएगा, ना कि किसी भी तरह का झाड़फूंक और तंत्र मंत्र। और आप लोग देख सकते हैं बड़े ही आसानी से बिना किसी जोर जबरदस्ती की ये खुद ब खुद बैग के अंदर चला गया। यहाँ से दूर ले जाकर के हम लोग इसके अनुकूलित वातावरण में इसे रिलीज कर देंगे, जहाँ पर ये अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाएगा। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, तो बिना वक्त गवाए हम लोग सांप को यहाँ पर रिलीज कर देंगे ताकि अपनी बाकी जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाए। हम लोग इस सांप को रिलीज करने के लिए एक दिन बाद आए हैं, क्योंकि उस दिन काफी ज्यादा रेस्क्यूज होने के कारण हमें टाइम नहीं मिल पाया, तो हम लोग एक दिन बाद सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ज्यादातर केसेस में हम लोग उसी दिन सांप को रिलीज कर देते हैं, कई बार लेट हो जाता है, तो हम लोग 48 घंटे के अंदर अंदर दूसरे दिन सांप को रिलीज कर देते हैं, उसके बाद बाकी के रेस्क्यूज को कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।